विपक्ष जितनी भी जम्मू कश्मीर की है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि जम्मू कश्मीर में कुछ हुआ ही नहीं। 5 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। कश्मीरी आज ही कश्मीरी है, कश्मीरी भाषा का भी महत्व बना है। 30 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला है और G20 का आयोजन दुनिया भर के लोग कश्मीर में होते हुए बदलाव को देखकर। जिस तरीके की विशाल रैली वहां पर हुई है, क्या वो विशाल रैली अब भाजपा का बैकबोन बन रहा है वहां पर? ये तीनों परिवारवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को रोका है। तीनों परिवारवादी पार्टियों को इस चुनाव में घाटी की जनता जरूर बाहर का रास्ता निकालेगी, अपने नुमाइंदे खुद चुनेगी। 2-3 बार इस बात को दोहराया और 5 अगस्त के बाद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी कहा कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी को कम करना है। जिस प्रकार से अवाम उत्साह के साथ मोदी जी का स्वागत कर रही है, चाहे वो जम्मू हो चाहे घाटी हो, वो बताता है कि दिलों की दूरी कम हो चुकी है। ये जो आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने तब किया जब बिल्कुल पास में इलेक्शन थे और ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, तब भी किया ना, 75 साल से आप थे, क्यों नहीं किया? मैं फारूक साहब को पूछना चाहता हूँ। ये जो एलजी साहब कह रहे हैं कि अमन को खरीदा जाता था और बाद में रखा जाता, हमने जी अमन को कायम किया। हुर्रियत से कोई बात नहीं होगी, हुर्रियत की कश्मीर में जगह नहीं है। जो बातचीत करना चाहता है उसने संविधान के दायरे में आना पड़ेगा। देखिए खास मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंगलवार शाम 7:30 और रात 9 बजे सिर्फ गुलिस्तान न्यूज पर।